हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। किसका कंकाल है ये? किसको मारकर गाड़ा है यहाँ पे? सर हमें कुछ नहीं मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस कंकाल से। आपके घर के दीवार में कंकाल है और आप कह रहे हैं आपका कोई लेना देना नहीं है? सर हम इस घर में सिर्फ 2.5 साल से ही रह रहे हैं, हमने ये घर बना बनाया लिया था, क्या पता हमसे पहले रहने वालों ने लाश गाड़ रखी हो या। हाँ सर, हम तो घर के रेनोवेशन के लिए ये दीवार तोड़ रहे थे, अगर हमने कुछ किया होता तो हम दीवार थोड़े ना तोड़ते सर। आप दोनों के हाथ में चोट कैसे लगी? ये सब गुरुजी के उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हुआ है। कौन गुरुजी? नवल किशोर शास्त्री, उनके कहने पर हमने ये दीवार तोड़ाई थी, अब कंकाल निकला है तो भाग गए वो। शर्मा चल। पूनम पूनम थोड़ी देर ये पढ़ाई छोड़ दे और चाय नाश्ता कर ले। पढ़ाई में ऐसे खो जाती हो ना, तुम्हें खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। लो खा। हुआ क्या बताऊं, इस इकोनॉमिक्स ने ना होश उड़ा रखे मेरे। पिछली बार ग्रेड्स कमाए थे ना, तो मैंने ठान लिया था कि इकोनॉमिक्स में तो मुझे टॉप करना है, इसीलिए। तुझ जैसी लगन हो ना, जिंदगी में कोई पीछे रह ही नहीं सकता। लेकिन आज भी तू मुझे बुआ बुआ बोलती है, माँ नहीं बोल सकती। बुआ कैसी बातें कर रही हो, आप तो माँ से बढ़कर हो। चलो ठीक है, अब से मैं आपको माँ ही कहूंगी। अच्छा चल जल्दी से नाश्ता कर ले, मैं बाजार जाके सब्जी लेकर आती हूँ। क्या पूनम, बॉयफ्रेंड से बात हो रही थी? नहीं पापा जी, बस ऐसे ही। क्या है ना कि मैं बहुत फ्रैंक हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये फोन पे आपने बॉयफ्रेंड गार्ड लगी हुई थी? नहीं बुआ, मैं बस अपनी दोस्त से बात कर रही थी और कुछ नहीं। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। अनाज समझ के इसको पाल पोस के बड़ा किया, तो मेरे और मेरी बीवी के बीच में झगड़ा लगा रहे। मैं आपके रगरग से वाकिफ हूँ। क्या वाकिफ है? आप लोग इस घर में नहीं रह सकते, मैं घर सील करना होगा जब तक जांच पूरी नहीं होती। मेरा भाई यही नजदीक में रहता है, हम वहां चले जाएं। हमसे पूछे बिना आप दोनों मुरादाबाद से बाहर मत जाइए। देखिए मैं एक वास्तु विशेषज्ञ हूं, नीलू के घर की वो दीवार मुझे वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं लगी, उचित नहीं थी इसलिए तोड़वा दी, उसमें मेरा क्या दोष है? और इस दीवार को तोड़वाने के लिए जो आप लेबर लेकर गए थे, हमने सुना वो सब आपके चेले थे। बिल्कुल हमारे चेले थे। नीलू और उसका पति भी आपके भक्त हैं, लेकिन अब वो सारा दोष आप ही पे मढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि आप पहले से जानते थे कि दीवार में कंकाल है। हम कैसे जान जाएंगे कि उसमें कंकाल था, अगर जानते तो तोड़वाते क्यों? वो तो मुझे दिव्य ज्ञान से आभास हुआ था कि वो दीवार में कुछ अनिष्ट है, और उसी दिव्य ज्ञान से हमें आभास हुआ है कि नीलू के भाई अविनाश की दाढ़ी में तिनका है। आचार्य जी दाढ़ी को साइड में रखिए, स्पष्ट शब्दों में बताइए क्या कहना चाहते हैं। नीलू का भाई उस दीवार को गिराने का विरोध कर रहा था।
दीदी ये सब क्या हो रहा है? दीवार में कुछ गड़बड़ है, कोई बाधा है इसमें, तोड़ दो इस दीवार। अरे बंद करो ये नाटक, ये क्या पागल बना रखा है मेरे दीदी और जीजा जी को। और दीदी तुम क्यों इस पाखंडी के चक्कर में पड़ी हुई हो? ये तो अपनी दक्षिणा ले जाएगा, और इसके कहने पे तुमने तोड़ फोड़ करवा दी ना तो फालतू के खर्चे में आ जाओगी। ये लो, तुम्हारे भाई को हमारा अपमान करने के लिए बोला यहाँ पर। अरे चुप करिए आप। चुप करो अविनाश, अगर गुरु जी के खिलाफ एक चौकी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप। आपने भी कुछ हम उल्टे सीधे काम नहीं किए। पूजा की विधि है, बलि तो नहीं चढ़ा सकते, तो सांकेतिक रूप से उस पूजा को संपन्न किया कोई गुनाह है? और अगर हमें आपके खिलाफ कुछ मिला तो आपके सारे दोष दूर कर दूंगा। हमसे पूछे बिना शहर से बाहर मत जाइए, उचित होगा। मेरी वजह से रोज आपको फूफा जी मारते हैं, इससे जब मैं कहीं चली जाती हूँ सच में तो कहीं नहीं जाएगी, और मेरे रहते हुए आदमी तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। वाह शांति, वाह, कितनी महान है तू, बहुत महान है, गैरों को भी अपना बना लेती है तू। लेकिन मैं किसी पे एहसान करता हूँ तो पूरा वसूल करता हूँ। अरे इसी कर्म के वजह से ना भगवान ने कभी अपनी औलाद नहीं दी हमें। तेरे को उसको बेटी बनाने का है ना, बनाओ। पर तुम दोनों को इधर चैन से रहने का है तो मेरी बात मान लो, घर की बात घर में रहेगी। हट हट आ आ गया। ए अनिल पा, अगर दोबारा ऐसे हाथ लगाना तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। मेरे को अंदर कराएगी तू? बोला था ना दीदी उस गुरुजी के चक्कर में दीवार मत गिरवाओ। अब कंकाल निकल गया ना, अब पुलिस आप लोगों का आगा पीछा खंगालने में जुट जाएगी। आपको पता है उस दीवार में किसको मार के गाड़ा गया था? हमें कैसे पता होगा? अरे हमको तो हमारे घर से निकाल दिया पुलिस वालों ने, पूरा घर सील कर दिया उन्होंने। घर तो सील करेंगे ही, और आप लोग यहां रहोगे तो पुलिस वाले यहां भी आएंगे। यानी तो कहना क्या चाहता है, हमारे बुरे वक्त में हमें अपने घर में भी नहीं रखेगा? अरे जीजा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप रहो ना आराम से जब तक रहना है। बल्कि मैं काम करता हूँ, आप लोगों के लिए कृतिका का कमरा साफ करवा देता हूँ। संभाल अपने आप को। लेकिन कल रात को तो तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा था, और आज अचानक से भाई साहब को वो हार्ट अटैक आया उनका। और अब बात कर लिए, वो लोग आधे एक घंटे में डेथ सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। चलिए अब अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वो कंकाल किसी लड़की का, जिसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में रही होगी। हालांकि मौत कब हुई होगी डॉक्टर इसका सही से पता नहीं लगा पाए, पर उनका अंदाजा कि मौत 2 से 3 साल पहले हुई होगी। सर मनोज कह रहा था कि वो और उसकी वाइफ लक्ष्मी सदन में कुछ 2.5 साल पहले रहने आए थे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता तो वो दीवार तोड़वाते ही क्यों? लेकिन वो बाबा नवल किशोर, उसकी बातें भी कम उल्टी पुल्टी नहीं, किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। और ये भी पता करो कि लक्ष्मी सदन में मनोज और नीलू से पहले कौन रहता था। सर सर पता चला है कि नीलू के भाई अविनाश की बेटी पिछले 2.5 साल से गायब है। अविनाश की बेटी? ये लड़की अविनाश की सगी बेटी नहीं थी सर, अविनाश और उसकी बीवी ने कृतिका को गोद लिया था। अविनाश की बीवी तो काफ़ी पहले गुजर गई थी, लेकिन 2.5 साल पहले तक कृतिका अविनाश के साथ ही रह रही थी। और सर लक्ष्मी सदन के कुछ नेबर्स के साथ भी बात की मैंने, एक नेबर ने बताया कि नीलू और मनोज 2.5 साल पहले घूमने के लिए आए थे, उस दौरान अविनाश का वहाँ काफ़ी आना जाना था। और सर अविनाश ने अभी तक सबको यही कहा है कि उसकी बेटी कृतिका 2.5 साल पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। तो क्या ये केस ऑनर किलिंग का केस है? और लक्ष्मी सदन की दीवार में हमें जो कंकाल मिला, क्या वो कंकाल अविनाश की बेटी कृतिका का है? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, अब जबरदस्ती उस कंकाल को कृतिका का बता रहे हैं। आप तो चाहते ही नहीं थे कि दीवार टूटे, क्योंकि दीवार टूटती कंकाल बाहर आता और आपका राज भी। अरे सर मेरी बेटी जिंदा है। कहाँ है कृतिका? यही तो मालूम नहीं है कि वो उसे बहकाकर ले कहाँ गया है। कौन किसकी बात कर रहे हैं?
समीर, यहीं पास के इलाके में अपनी चाची के साथ रहता था, वही मेरी बेटी को बहका रहा था। कृतिका, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है उस लड़के से दूर रहा कर। पर पापा, समीर में बुराई क्या है? वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है। मैं ये सब में नहीं मानती पापा। उस लड़के ने कृतिका का दिमाग खराब कर रखा था और वही हुआ। एक दिन कृतिका उस लड़के समीर के साथ भाग गई। और आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपकी बेटी है कहाँ? मैं उस लड़के की चाची से मिलने गया था, लेकिन उसकी चाची ने भी कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाया। पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि आप कांड करके बैठे हुए। उस लड़के के बारे में बताइए जो कृतिका को लेकर भागा। अब हम पता करेंगे कि कृतिका कहाँ है। आंटी जी, जो लिखा होता है उसे टाला तो नहीं जा सकता। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो, कुछ भी जरूरत हो, हमसे बोलिएगा, हम हैं अभी। मुझे अपनी परवाह नहीं है गणेश बेटा, मुझे तो बस पूनम की चिंता हो रही है। वो इस घर में अपने फूफा के साथ सुरक्षित नहीं थी। आंटी जी, आप एक काम करिए, आप हमारी शादी पूनम से करवा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो गणेश? पूनम, हम जानते हैं तुम हमारी दूर की मौसी की बेटी हो, पर आंटी जी, हमारी मम्मी भी तो यही चाहती थी कि हमारी और पूनम की शादी हो जाए। पूनम, हमारी मम्मी ना बुआ जी से बात भी करने वाली थी, पर उसके पहले ही उनका देहांत हो गया। गणेश, पर गणेश सही कह रहा है बेटा। देखो, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। मुझे ऐसा लगता है गणेश से बेहतर तुम्हारे लिए कोई लड़का हो ही नहीं सकता। समीर यहीं रहता? जी, वो मेरा भतीजा था। हमें पता चला कि समीर किसी कृतिका नाम की लड़की से प्यार करता है, उसी के बारे में बात करनी है आपसे। आओ बेटा, बैठे। समीर ने बताया मुझे तुम दोनों के बारे में। तुमने अपने पापा को समीर के बारे में बताया? आंटी, उन्हें सब पता है, लेकिन मैं समझ गई बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। लेकिन कृतिका के पिता ने मुझे और समीर को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया और एक दिन समीर गायब हो गया और फिर कृतिका के पिता आकर मुझे परेशान करने लगे कि समीर कृतिका को भगा कर ले गया। आजकल कहाँ है समीर और कृतिका? मैं उन्हें पिछले 2.5 साल से ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने पुलिस कंप्लेन भी की थी पर कुछ पता नहीं चला। समीर के माँ बाप कहाँ? समीर के माँ बाप गुजर चुके हैं सर, मेरे अलावा उसका और कोई नहीं था। समीर की चाची ने जिस थाने में समीर की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी, उस थाने की पुलिस टीम को भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले कि समीर और कृतिका ने भाग के शादी की होगी। और अगर हम फॉरेंसिक रिपोर्ट पे जाएं, तो जिस दौरान समीर और कृतिका गायब हुए थे उसी दौरान उस लड़की की मौत हुई थी जिसका हमें कंकाल मिला, तो पॉसिबल है सर कि मर्डर कृतिका का हुआ हो। सर, हम डीएनए मैचिंग रिपोर्ट से भी अविनाश के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि कृतिका अविनाश की सगी बेटी नहीं थी, उसने उसको अडॉप्ट किया था। मान लो 2.5 साल पहले कृतिका का कत्ल हो गया इसलिए वो मिल नहीं रहे, पर ये समीर कहाँ गायब है? कहीं ऐसा तो नहीं क्या अविनाश ने कृतिका के साथ साथ समीर का भी कत्ल कर दिया? अगर ऐसा है सर, तो हो सकता है कि हमें लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिले। चांसेस हैं, पता तो करना पड़ेगा। मैं डीसीपी सर से परमिशन निकलवाता हूँ। और पता चला लक्ष्मी सदन में मनोज और नीलू से पहले कौन रहता था? यस सर, सर रजिस्ट्रार से पता चला है कि 3 साल पहले ये घर राघवेंद्र पांडे के नाम पे था। सर, ये इस घर का लास्ट और फर्स्ट ओनर था। सर, ये कई सालों से लंदन में है। शराब पी रखी है? अरे वो हमारे दोस्तों ने थोड़ा लिटिल लिटिल पिला दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम शराब पीते हो? अरे इसमें बताना क्या है, जमाना पीता है भाई। जमाना पीता हो चलेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, इसी की वजह से
फूफा जी ने मेरे साथ। अरे तो हमने तुमको बचा लिया ना तुम्हारे फूफा जी से। चलो अब हमारा मूड मत ऑफ करो, आज हमारी फर्स्ट नाइट है भाई। गणेश लाइट ऑन कर, पूरे घर को अच्छे से स्कैन करिए, एक एक कोना। ओके सर। सर कुछ नेबर्स ने बताया 2.5 साल पहले इस घर में एक मेड काम करती थी जो अचानक से गायब हो गए। कौन मेड? सर संजना नाम था हमारी मेड का, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें पता चला है कि आप उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। तकरीबन 2.5 साल पहले उसने मोहल्ले में तमाशा किया था। मैंने आप लोगों से उधार क्या मांग लिया? नौकर बनाकर रखोगे? मार मार कर ट्रैंक बनाओगे मुझसे? क्यों झूठ बोल रही है संजना? हाँ क्या जरूरत है इतना तमाशा करने की? देख संजना तमाशा मत कर बेकार में, जो भी तुझे कहना है अंदर जाके कर, चल। एक नंबर की नौटंकीबाज औरत थी वो, तिल का ताड़ बना के रखा था उसने, इसलिए आपने कंकाल बना दिया उसे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? हमें पता चला कि उसके बाद से ही वो गायब है। लेकिन सर उसके बाद तो वो अचानक काम छोड़ के अपने गांव चली गई थी। तब तो गांव में मिलनी चाहिए। एड्रेस बोलिए गांव का। सर एड्रेस तो नहीं है हमारे पास। जिस एजेंसी के जरिए उसको काम पर रखा था उस एजेंसी का एड्रेस तो होगा? नहीं सर, किसी एजेंसी के थ्रू हमने काम पर नहीं रखा था उसे। वो खुद ही घर आई थी काम मांगने के लिए, कहती थी मंजुलापुरा में कहीं रहती है, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली कहाँ ये हमें नहीं मालूम सर। ठीक, फोन नंबर बोलिए उसका। सर उसके पास फोन नहीं था। हेलो सर, एक डाउट है। ये देखिए फर्श की ये टाइल्स एक ही कलर डिजाइन की है और ये टाइल्स बाकी टाइल्स के मुकाबले ज्यादा नई लग रही हैं। बदवा एक मिनट, विशाल मिट्टी हटाओ। सर एक मिनट जल्दी, ये देखिए सर एक और कंकाल। उषा शर्मा सब जगह खुदवाओ, पता नहीं और कितने राज दफन है इस लक्ष्मी सदन में। हमारी पत्ती। अरे घूर क्या रही हो है? उनसे शादी करके भी ना हमको जबरदस्ती करनी पड़ती है। ये हमको वो सुकून देगी जो तुम हमको जिंदगी में कभी नहीं दे सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गणेश कि तुम ऐसे निकलोगे। अरे हम ऐसे ही हैं। आओ डाले बैठो। अब तुम देखो और चलो है? पैर ऊपर कर लो आराम से। कैसी है तू? हाँ अरे मैं यहीं से जा रही थी, मैंने सोचा तुझे और दामाद जी को। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? उठ तेरी इतनी हिम्मत। सर एक कंकाल को एग्जामिन करने के बाद पता चला है कि ये कंकाल 18 years and above किसी लड़के का है। सर क्या? तो डॉक्टर
क्या लड़के की मौत भी उसी दौरान हुई होगी जिस दौरान लड़के की मौत हुई, जिसका कंकाल हमें लक्ष्मी सदन की दीवार में मिला? मैं आपको डिटेल रिपोर्ट जल्दी सेंड करता हूँ। ये चेन हमें कंकाल पे मिली थी, क्या समीर ऐसी चेन पहनता था? मैम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? देखिए हमें लगता है कि कृतिका के साथ साथ समीर का भी मर्डर हुआ है। पहले आप मुझ पर कृतिका के मर्डर का इल्जाम लगा रहे थे, अब दूसरा कंकाल मिल गया तो समीर समीर कर रहे हैं। क्या सबूत है कि दोनों कंकाल समीर और कृतिका के हैं? अबे सबूत तो इस बात का भी नहीं मिले कि समीर और कृतिका जिंदा है। सर मैं क्या रहा हूं कि मैंने उन्हें नहीं मारा, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? हम यकीन नहीं करते, तोड़ाई करते हैं जब तक मुजरिम सच नहीं बोलता। अभी तक आपकी मेट संजना का कुछ पता नहीं चला, हम उसे ढूंढ ही रहे और आप लक्ष्मी सदन में दूसरा कंकाल मिला। अब ये तो कहना मत कि आप लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर हम सचमुच कुछ नहीं जानते, आप बेकार में हमें और अविनाश को परेशान कर रहे हैं। सर एक मिनट, सर आपने किचन में खुदाई की थी ना, और कंकाल भी आपको वही मिला ना? जी सर। अब तो मुझे पूरा यकीन है सर कि ये काम जरूर उन लोगों का है जो हमसे पहले वहां रहते थे, क्योंकि जब हम वो घर देखने गए थे तब हमने भी देखा था कि किचन की टाइल्स अलग अलग है, और हमने इसके बारे में एजेंट को भी बोला था। कौन एजेंट? शेखर यादव सर, राघवेंद्र पांडे ने उसी एजेंट को घर की चाबी दे रखी थी। ये देखिए सर। आइए सर, एक रूम और है, बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ, आइए। एक मिनट। क्या हुआ सर? ये फर्श तो बहुत अजीब ढंग से बनी हुई है, ना टाइल्स मैचिंग है ना ठीक से लगे हुए हैं। अरे सर बहुत छोटी सी चीज़ है, डोंट वरी, सब हो जाएगा। हाँ जी। एक मिनट, लेकिन डील फाइनल करने से पहले हमें ओनर से मिलना है। हाँ जी बिल्कुल, पर वो फिलहाल तो लंदन में सर, उनका ये कहना है कि एक बार जैसे ये डील लॉक हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन के लिए इंडिया आ जाएंगे। सर ओनर तो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आए थे सर, लेकिन उस वक्त लक्ष्मी सदन का कर्ता धर्ता ये एजेंट शेखर यादव ही था। क्या सर लक्ष्मी सदन में दो कंकाल मिले हैं? ओ एजेंट हमारे साथ ड्रामा मत कर, लक्ष्मी सदन का सौदा तुमने करवाया था ना? सर मैंने करवाया था, पर इस बात को 2-3 साल हो गए हैं। एग्जैक्टली, ये जो मर्डर हुए ना वो भी 2-3 साल पहले ही हुए। उस घर के पहले मालिक राघवेंद्र पांडे ने जाने से पहले चाबी तेरे हवाले की थी, लक्ष्मी सदन की चाबी 24 घंटे तेरे पास रहती थी, फिर टाइल्स बदली गई, और मनोज और नीलू ने तुझे इस बारे में बताया भी था। नहीं नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। सर हो सकता है ये मनोज और नीलू ने ही टाइल्स बदल दी हो, या हो सकता है ये फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर ने ये सब कांड किए हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी ओनर सबको घसीटेंगे। तो ये बता लक्ष्मी सदन में किसकी लाश गाड़कर राघवेंद्र पांडे लंदन भागा? सर मुझे क्या मालूम, सर मैं बस इतना बता सकता हूँ कि ये राघवेंद्र पांडे एक अय्याश किस्म का आदमी था, उसने मुझे लंदन जाने से पहले करीब 3.5 साल पहले अपना घर बेचने के लिए कहा था, और उसके 2 दिन बाद ये मेरे ऑफिस आया और कहने लगा कि लक्ष्मी सदन 70 लाख में बिकवा दो, लेकिन सर तब तक वो पार्टी दूसरी डील कर चुकी थी। उसके बाद उसने चाबियां दी और लंदन चला गया, बोला कि जल्द से जल्द बिकवा दो। बोला शर्मा। सर रसोई के दूसरे हिस्से में एक और कंकाल मिला है। तीसरा कंकाल? जी सर, देखते ही देखते डबल मर्डर केस ट्रिपल मर्डर में बदल गया सर। तुमसे बात करके ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मेरे सारे दुख सारी परेशानियाँ सब एकदम से गायब हो जाते हैं। हम तुम्हारा हर दुख अपना बना लेंगे, बस एक बार हाँ कह दो। मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। रिपोर्ट से साफ है कि पहला कंकाल 20 से 30 साल की लड़की का है, और इनके अलावा अभी तक और कोई कंकाल हमें नहीं मिला सर। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि समीर और कृतिका का मर्डर हुआ होगा, लेकिन बच्चे का कंकाल मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबल के साथ साथ उनके बच्चे का भी मर्डर हुआ होगा। शर्मा मत भूलो, नीलू और मनोज की मेड संजना भी गायब, हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं उनमें से हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल इन तीनों विक्टिम्स की पहचान पता करने पर जोर दो, एक बार इनकी पहचान हो गई तो इस केस की चाबी हमारे हाथ में होगी। मैं कमिंग सर। कमिंग सर। मैंने लक्ष्मी सदन के पहले ओनर के बारे में पता किया, राघवेंद्र अपनी बीवी नेहा और 5 साल के बेटे के साथ रहता था सर, उनका एक सर्वेंट भी था। सर लोगों का कहना है कि राघवेंद्र की अय्याशी की वजह से उसकी वाइफ से उसका बहुत झगड़ा होता था। सर 3.5 साल पहले राघवेंद्र के बीवी बेटा और नौकर तीनों गायब हो गए। राघवेंद्र ने लोगों से कह दिया कि नौकर गांव चला गया, और उसकी बीवी का किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वो अपने बच्चे को लेकर उसके साथ भाग गई। ठीक है राघवेंद्र जी, जरूरत पड़ी तो आपको फिर कॉल करूंगा। थैंक यू। उस राघवेंद्र को इंडिया बुलाना आसान नहीं होगा, कोर्ट से इसके प्रत्यर्पण की अर्जी हासिल करने के लिए
हमें कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूत करनी होंगी। इस एजेंट शेखर को बुला, क्योंकि राघवेंद्र के लंदन जाने के बाद शेखर ने ही लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम करवाया था। सर मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया था रेनोवेशन का, मैं तो उस वक्त वहां रहता भी नहीं था सर। सर मुझे लगता है कि ये रेनोवेशन करने वालों ने ये कांड किया है। रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया था? सर माला, माला शर्मा। सर हमने एकदम बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, ऐसे कैसे डैमेज हो गया? चिल्लाओ मत, हमने पूरी कमिटमेंट के साथ हमारा काम किया है। अब मेरी पेमेंट में से 1% भी काटा ना तो 100% वसूलूंगी, समझे? यू डोंट नो हु आई एम। एंड रोहित यू, कितनी बार कहा है तुमसे अगर मटेरियल में मिलावट करो तो ऐसे करो कि किसी को पता ना चले। मानती हूँ लक्ष्मी सदन के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था, लेकिन किसी मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इतना तो मानती है ना कि लक्ष्मी सदन में आपने रेनोवेशन किया था? किचन की टाइल्स, दीवारों का टेक्सचर, ये सब आपने वहां पर चेंज किया। किचन और दीवार में कंकाल कहाँ से आए? मैंने कोई तोड़ फोड़ नहीं करवाई थी सर, बस वास्तु के हिसाब से थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करवाया था। लेकिन बाबा नवल किशोर जो खुद वास्तु एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि उस घर में वास्तु दोष था। नवल किशोर बाबा, आप जानती हैं उसे? जी, उनसे मैं वास्तु की टिप्स लेती हूँ और लक्ष्मी सदन के लिए भी उन्होंने सजेशंस दिए थे। रेनोवेशन के दौरान वहाँ कौन कौन आता था? मेरे वर्कर्स, मिस्त्री, कारपेंटर, पेंटर, उनके ठेकेदार के पास वहाँ की चाबी रहती थी और बाबा नवल किशोर भी वहाँ विश्वकर्मा पूजा और यज्ञ के लिए आ रहे थे। देखिए, मेरा किसी भी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। जैसे माला मेरी भक्त है, वैसे नीलू भी मेरी भक्त है। ये तो सारा होनी का खेल है। आचार्य जी, ज्ञान बांटना बंद करिए। अगर हमें बाद में पता चला ना कि आपने कुछ भी छुपाया था या झूठ बोला था, तो इतना याद रखना, यहाँ पर हम इस डंडे से ज्ञान बांटते हैं। सुनिए, ये पुलिस वाले हमारी मेड संजना का भी पता लगा लेंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो ये तुम दोनों का कांड था? अपनी मेड को मार के घर में गाड़ दिया और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो तू कौन सा कम है? 2.5 साल पहले हम जब 2 महीने के लिए घूमने गए थे, तभी तेरी बेटी और उसका वो लफंगा दोस्त, क्या नाम है उसका, दोनों गायब हो गए थे ना। तूने ही दोनों को मार के गाड़ दिया होगा। एक तो मैंने तुम दोनों को घर में रहने की जगह दी और मुझ पर ही चढ़ रहे हो। चलो जिस वक्त लक्ष्मी सदन में रेनोवेशन का काम चल रहा था, उस वक्त बाबा नवल किशोर के अलावा माला के 3 ठेकेदारों के पास भी लक्ष्मी सदन की चाबी रहती थी। मिस्त्री राज, कारपेंटर योगेश और पेंटर मुन्ना, तीनों को हाजिर करो। सर राज मिस्त्री। हाँ मैडम। चल। अरे मैडम क्या हुआ? अरे चल। कृतिका। पापा, हमें हमारे दोस्त से पता चला है कि आपको पुलिस बहुत परेशान कर रही है। भले ही हमने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, लेकिन मैं भूल नहीं सकती कि मुझ जैसे अनाथ को आपने पाल पोस के बड़ा किया है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम पुलिस की गलतफहमी दूर करेंगे। उन कंकालों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तेरे अलावा माला ने जिस कारपेंटर और पेंटर को ठेका दिया था, वो दोनों गायब, उन दोनों के फोन भी बंद। अरे साहब, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो दोनों ना उमरा गांव में रहते साहब, वो कहीं आपको मिल जाएंगे। अविनाश का फोन आया था सर, कृतिका और समीर दोनों जिंदा है और नीलू और मनोज की जो मेड थी संजना, उसके बारे में कुछ पता चला? जी हाँ सर, उस मौली की कुछ और काम वालियों से उसके गांव का पता चला है। वो बिहार की रहने वाली है, बिहार पुलिस को अपडेट दिया है मैंने। सर मुझे पता चला कि आप लोगों ने मुझे इंडिया बुलाने के लिए कोर्ट से एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट फाइल की है और मैं नहीं चाहता कि इस वजह से मेरी यूके सिटीजनशिप में कोई खतरा पैदा हो, इसीलिए आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैं खुद यहाँ चला आया।
बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी दूर से हमारी गलतफहमी दूर करने के लिए खुद यहाँ तशरीफ लाए। अब ये बताइए कि आपकी बीवी, बेटा, नौकर गायब है, करेक्ट? लक्ष्मी सदन जहाँ पहले रहते थे वहाँ से हमें 3 कंकाल मिले। पहला कंकाल दीवार में और बाकी 2 कंकाल किचन की फ्लोर के अंदर। शर्मा सर, ये दीवार तो छत की लोड बेयरिंग दीवार थी, मतलब अगर इसको कोई तोड़ देगा तो छत कभी भी गिर सकती है, और अगर इसको तोड़कर किसी ने किसी को गाड़ा है तो मतलब वो कोई जानकार आर्किटेक्ट ही होगा। आपके एजेंट शेखर ने माला शर्मा नाम के आर्किटेक्ट को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आप तो जानती होंगे। नहीं सर, मैं माला को तो नहीं जानता, और सर मेरा इन स्केलेटन से कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपका अपनी बीवी और बच्चे से तो लेना देना है ना? आपकी बीवी, बच्चा और नौकर कहाँ गायब? सर एक्चुअली जब से वो लोग मुझे छोड़ के गए हैं मैंने उन्हें ढूंढने की कभी कोशिश की नहीं। अगर आप चाहें तो मैं नेटिव एड्रेस दे सकता हूँ अपनी बीवी और नौकर के। हमने कुछ नहीं किया, हम तो मामूली से पेंटर और कारपेंटर हैं। तो गायब क्यों हुए थे? साहब हमें काम नहीं मिला इसलिए हम गांव चले गए थे। अब जब पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब देना। तुम दोनों ने लक्ष्मी सदन में तकरीबन 25 दिन काम किया था ना? जी साहब किया था। उस दौरान तुम लोगों को ऐसा कुछ लगा या ऐसा कोई शख्स वहाँ आया था जिस पर तुम लोगों को शक हो कि वो ये कांड कर सकता था? सर हम तो शाम 7 बजे काम खत्म करके चले जाते थे। माला मैडम वहाँ आए दिन आती थी, अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करती थी साहब, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता सर। माला के एक एक दोस्त के बारे में पता करो, हो सकता है उसका अपना किसी दोस्त के साथ पंगा हुआ और ये माला इन मर्डर्स में शामिल हो। और ये भी चेक करो क्या माला के बैकग्राउंड में कोई ऐसा है जो गायब है, और माला के 3 ठेकेदार उन सब की बैकग्राउंड पता करो। सर खबरी का कॉल है। हेलो, ठीक है उसे यहाँ ले आओ। सर मनोज और नीलू की मेट संजना का पता चल गया है। गुड। साहब नीलू और मनोज जी बहुत टॉर्चर करते थे साहब, उनसे उधार के लिए या गुलामी बना लिया था उन्होंने, इसलिए मैं तंग आकर खुद ही मरना चाहती थी। अगर वो लोग मारपीट करते थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं है? साहब हम गरीब लोग अगर पुलिस पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। संजना, कृतिका और समीर का तो पता चल गया है, लेकिन राघवेंद्र की बीवी, बच्चे और नौकर का अभी तक पता नहीं चला सर। लेकिन सर हमें ये जो 3 स्केलेटन मिले इनका एज ग्रुप भी इससे मैच करता है सर, हो सकता है राघवेंद्र हमें बेवकूफ बना रहा हो। हेलो सर, वो राज की इन्फॉर्मेशन मिली है। राज की इन्फॉर्मेशन? स्पीकर बोल रहे। हाँ बोल। 1.5 साल पहले बरेली की पुलिस ने उसे किसी केस में उठाया था। क्या केस था वो? सर वो तो मालूम नहीं, लेकिन पास की बस्ती में एक विधवा औरत रहती है अपने 2 बच्चों के साथ, वहाँ भी उसका आना जाना था सर। शर्मा पता करो बरेली के कौन से थाने की पुलिस राज को उठाकर ले गई, राज को हाजिर करो। trying to call is currently switched off. Please try again. इस राज का तो फोन भी बंद आ रहा है। एक काम करो, इसका फोन ट्रेस करो, पता करो कि ये कहां भाग गया है। सर वो विधवा औरत कौन है जिसके पास राज का आना जाना था? सर ये पास की बस्ती में रहती है। सर मैं नहीं जानती राशिद कहां है। और उसका नाम तो राज है ना? सर उसका असली नाम राशिद है लेकिन सब उसको राजा बोलते हैं। आपका राशिद से क्या रिश्ता था? मैं एक विधवा औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, कुछ पैसों से मेरी मदद कर देता था और मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करेगा, पर सर उसने तो किसी और से शादी कर लिया। किससे शादी कर? सर कोई थी बदचलन औरत, सर राशिद से शादी करके उसी के भाई से चक्कर चला के भाग गई। जी 1.5 साल पहले एक सुसाइड केस के बारे में पूछताछ करने के लिए हमने राज को तलब किया था। किसके सुसाइड केस के बारे में? उस वक्त हमें एक मर्डर केस लग रहा था, शांति नाम की एक औरत अपने घर में लटकी हुई मिली थी। सर पूनम तो हमको 8 साल पहले ही छोड़ के चली गई थी। हमने सुना तू उसको मारता पीटता था, एक बार तूने शांति को भी मारने की कोशिश की थी। नहीं सर, उस दिन हम पूनम के घर पूनम को वापस लेने के लिए गए थे, पर उसकी बुआ ने हमको बताया ही नहीं कि उनने पूनम को कहाँ भेज दिया है। जब हमने पूनम का सोशल मीडिया खंगाला तो पता चला कि वो वहाँ पर राज से टच में थी। जब हमने राज से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी और पूनम की शादी हुई थी, लेकिन पूनम राज के भाई शाहिद के साथ भाग गई थी। उसी वक्त इस केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिससे कंफर्म हो गया कि ये एक सुसाइड ही था, तो हमने केस बंद कर दिया। तो आपको राज के भाई शाहिद और पूनम के बारे में कुछ पता नहीं चला वो कहाँ? जी नहीं,
लेकिन हमें ये ज़रूर पता चला कि राज और पूनम का 3-4 साल का एक बेटा था और पूनम उसे भी अपने साथ ले गई थी। मुझे लगता है ये राज ही है जो तीनों कंकालों का रहस्य जानता है। राज उर्फ राशिद, तेरे इस राज से पर्दा उठ चुका है। तेरा डीएनए 2 कंकालों से मैच हो चुका है। पहला कंकाल है तेरे भाई शाहिद का और दूसरा तेरे बेटे का और तीसरा पूनम का। सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट भेजी थी साहब मैंने उसको, उसने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। फिर धीरे धीरे चैटिंग शुरू होने लगी, फिर मैं उसके दिल का राजा बन गया। शादी करने के लिए तैयार हो गए साहब मेरे साथ, लेकिन उसको यह धक्का बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मैं राज नहीं राशिद हूँ। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका मेरे भाई शाहिद के साथ चक्कर चल रहा है। मेरे से मन नहीं भरता तेरा, मेरा भाई चाहिए तुझे। राज, मैंने तुम्हारे भाई से थोड़ी सी बात कर ली, इसका मतलब कुछ भी निकालोगे क्या? शर्म आनी चाहिए तुझे राज। अरे 4 साल का बच्चा है तेरा और पूनम का, भाई पे चक्कर है। उनको दिखाने के लिए मैंने उनके झूठ पे भरोसा कर लिया साहब, लेकिन अंदर से बदला लेना था ना, और उस टाइम पे मुझे लक्ष्मी सदन का ठेका मिल गया था और उस दौरान मेरे बेटे का बर्थडे आया, सही मौका मिल गया था मुझे। तो फिर वो लोग यहाँ आए, फिर मैंने बर्थडे का केक काटा, फिर मैं सबको बोला कि मेरी बीवी पूनम और मेरा बेटा शायद के साथ कहीं भाग गए हैं। और फिर एक बार मैं एक नए हमसफर की तलाश में जुट गया साहब। नया हमसफर मतलब नया शिकार। शर्मा, आशिक का जनाजा जरा धूम से निकलना चाहिए। सर, राघवेंद्र की बीवी बेटे और नौकर के बारे में पता चल गया। उसका नौकर तो गांव में है, लेकिन सर उसकी बीवी नेहा, सर वो किसी के साथ भागी नहीं है, बल्कि वो दिल्ली में टीचर की नौकरी करके अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही है। That's great. जब कोई औरत रिश्तों में धोखा खाने के बाद अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने स्वाभिमान की परवाह करते हुए आगे बढ़ती है, पुरानी बातों को पीछे फेंक कर मूव ऑन करती है, तो वही फैसला उसके लिए सही होता। पूनम राशिद को सोशल मीडिया पर मिली, पर राशिद की सच्चाई जाने बिना उसने आंख बंद करके राशिद पर यकीन किया और उसके फरेब का शिकार हो गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।